हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। उस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही कूल आइडिया, जिससे आप अपने नोटिफिकेशन शेड्स को जो है चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट MIUI 9, अगर आप इंटरफेस देखें नोटिफिकेशन शेड का, तो यहाँ MIUI 9 का नोटिफिकेशन शेड है। तो ऐसे में अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन शेड को नूगट या फिर ओरियो के लुक के साथ, तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला बेसिक चीज़ जो है, आपको थीम डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बहुत ही बेसिक सा थीम है, उसका नाम है एंड्रॉयड ओरियो। तो उसे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली वो दिखता कैसा है। ठीक है, ये खोला मैंने मी थीम्स, यहाँ मैं जा रहा हूँ अपने थीम्स में और लोकल यहाँ पे एंड्रॉयड ओरियो 8.0, या फिर आप एंड्रॉयड ओरियो लिख के कोई सा भी सर्च कर सकते हैं, तो आपके पास जो है नाम आ जाएगा। आपको उसे सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है ऊपर के नोटिफिकेशंस के जो आइकन है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाएंगे। इंस्टेंटली चेंज होने का मतलब ये है, यहाँ पर आपका जो थीम यूज़र इंटरफेस है वो बैटरी, वाईफाई, नेटवर्क, वॉइस ओवर LTE, जितने भी नोटिफिकेशन शेड्स हैं उन सब के लोगों के साथ चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट बारी जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैसे चेंज हो चुका है, लेकिन ये पूरा क्लियर 8.0 का नोटिफिकेशन शेड नहीं है। तो ऐसे में आपको दूसरा एप्लीकेशन जो डाउनलोड करना है वो है प्ले स्टोर से, और उसका नाम है मटेरियल नोटिफिकेशन शेड। ओके, सो ये एप्लीकेशन फ्री है, आपको जस्ट डाउनलोड करना है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और उसे डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 2-3 परमिशंस जो है अप्लाई करनी है, और बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर नोटिफिकेशन शेड में जो है आपको इंस्टेंटली चेंजेस देखने को मिलेगा। जब आप नेक्स्ट टाइम नीचे करेंगे, आपको यहाँ पे ये इस तरह से शायद काम नहीं किया है, मैं फिर से एक बार इनेबल कर देता हूँ। पैनल थीम मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ ओरियो नोगट EXE या जैसे भी आप चाहते हैं उस तरह का लेके कर सकते हैं। तो यहाँ जो है इंस्टेंटली अब चेंज हो चुका है नोटिफिकेशन शेड। आप देखेंगे ये जो है नोटिफिकेशन शेड अब पहले जैसा नहीं रहा है। ओके, तो ये है वो नोटिफिकेशन शेड, जिससे आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन एरिया को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। अब जो भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, जिस पे आप डबल जूम करके, डबल फिंगर से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ यूसी ब्राउज़र खोल लेता हूँ, ताकि फटाफट इसमें नोटिफिकेशंस दिखने लगें। ओके, ये मैंने खोल लिया है। अब इंस्टेंटली यहाँ पे जो है सारे के सारे पॉपअप आने लगेंगे, देख लिया। तो यहाँ पे जो है सारे नोटिफिकेशन सब आने लगे हैं, आप इसे डबल जूम करके देख सकते हैं, या फिर क्लियर ऑल का ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड 8.0 में होता है और नोगट में होता है, वो आपके पास यहाँ जिस पे क्लियर करके आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन शीट पसंद आया हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जस्ट क्लिक ओवर देयर, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू गाइस इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।